जब भी हम मजदूर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तपती धूप में नंगे पांव किसी बोझ को ढोते, किसी फैक्ट्री में काम करते या अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में काम करते किसान की छवि बना लेते हैं। लेकिन गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो परिभाषा और भी विस्तृत है। मजदूरी का अर्थ सेवा है। वो सेवा चाहे मैं करूं, आप करें या कोई भी। सेवा प्रदान करने वाला हर व्यक्ति मजदूर होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति को बेचकर रोजगार कमाता है वो मजदूर है। 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना है। इस दिन बहुत सारे संगठनों में कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। मजदूरों के वो अधिकार जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। भारत के संविधान में मौलिक श्रम अधिकारों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 23, 24, 39 में श्रमिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा नागरिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता, अनुच्छेद 19 संघ और यूनियन बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के तहत आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलपूर्वक श्रम करवाने पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 14 साल से कम आयु के बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं के मध्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था।